Hello everyone, welcome to Maneuver. Here is a very good news for you. I am going to conduct a workshop especially for the TIS student who are going to appear this exam in 2021. Why I am conducting this workshop? Because last year when I uploaded a video of actual paper analysis of 2020, which exam was held on 4th Jan को जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का एक्चुअल जीके एंड करंट अफेयर्स का जो मेरा वीडियो है, आप उसको यूट्यूब पे देख भी सकते हैं. सो आई गॉट अ लॉट्स ऑफ द कमेंट एंड मोर देन 50 कॉल्स फ्रॉम द स्टूडेंट साइड. दे वांट टू नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जीके सेक्शन, बिकॉज जीके सेक्शन को लेकर के एक फोबिया रहता है कि कितना बड़ा सेक्शन है, बिकॉज स्टैटिक जीके का एरिया है, करंट अफेयर्स है, तो दोनों सेक्शन को लेकर के काफी लोग टेंशन में रहते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए. सो क्योंकि सेक्शन बहुत वास्ट हो जाता है. स्टैटिक जीके का आप देखो तो काफी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस, एंड इस करंट अफेयर्स में पूरा इंटरनेशनल एंड स्पोर्ट्स सेक्शन, नेशनल न्यूज, बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं. सो एज पर देयर डाउट आई डिसाइडेड टू कंडक्ट अ वर्कशॉप, बिकॉज इंस्टेड ऑफ गिविंग द रिप्लाई टू वन, इट इज अ बेनिफिशियल टू कंडक्ट अ वर्कशॉप, सो मोर पीपल कैन बी बेनिफिटेड ऑफ दिस वर्कशॉप. ओके, सो दिस वर्कशॉप विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड इट विल बी ऑन 31st May ऑन संडे 4 PM. एंड how you can join this workshop I will tell you later. First see the what will be the benefit if you will join this workshop. So first of all we will discuss about the last year paper analysis. As you know, किसी भी exam को अच्छे से समझने के लिए सबसे best thing होता है कि उसके last year paper को analysis कर लो. आपको better idea लग जाएगा किस way में questions पूछे जाते हैं and किस way में आपको prepare करना है. And then what was the cutoff for the particular section, it means HRM है, hospital management and some other courses. And GK का पूरा overview देखेंगे, especially जो GK overview है last year का वो पूरा हम cover करेंगे. Question का type क्या था and question का nature क्या था, it means static से किस type के question पूछे जा रहे हैं एंड करंट अफेयर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. एंड इफ वी विल टॉक अबाउट द नेचर, इट मींस पेपर ज्यादा स्टैटिक ओरिएंटेड है या फिर करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है. एंड इफ करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है तो किस टाइप के क्वेश्चंस को मोस्टली फोकस किया गया है, तो वो सारी चीजें आपको यहां पे कवर होंगी इस वर्कशॉप में. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या करना है और क्या नहीं करना, डू एंड डोंट. इट मींस जीके एंड करंट अफेयर्स सेक्शन के लिए लोग काफी कुछ पढ़ डालते हैं और अगर राइट वे में नहीं पढ़ा है तो वो सारा का सारा वेस्ट होने का चांस रहता है. तो स्पेशली टिस एग्जाम के लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और किस क्वेश्चंस को कितना डीप में पढ़ना है और कितना सिर्फ ओवरव्यू रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है इस एग्जाम के लिए. एंड जो स्टैटिक जीके सेक्शन है उसकी क्या बाउंड्री हो सकती है, इट मींस पूरा पीएचडी लेवल का नहीं पढ़ना, जैसे साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी एंड इकोनॉमी, तो इन सब से पूरा पीएचडी नहीं करना है. किस वे में पढ़ना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके, क्योंकि क्वेश्चन तो एमसीक्यू रहने वाले, तो कैसे आप मोर बेनिफिट ले सकते हो स्टैटिक जीके, तो ये सब सारे पार्ट वहां पे डिस्कस किए जाएंगे. एंड करंट अफेयर्स के जो 2020 से लेकर के अभी एग्जाम होगा 21 में, आई थिंक जैन मंथ में होगा, तो जो इम्पोर्टेंट अभी तक के लिए जो हॉट न्यूज है वो हम डिस्कस करेंगे. बिकॉज वन ईयर का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है. कॉमन पिटफॉल, जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं वो आपको नहीं करना है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जो जीके फोबिया होता है ना, जीके को लेकर के इतना बड़ा सेक्शन है, क्या किस वे में पढ़ा जाए, अच्छा मार्क्स नहीं आएगा. एंड ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग हियर आई विल टेल यू, देयर इज 15 मार्क्स आउट ऑफ 40 मार्क्स आपको 14 मार्क्स गेन करना होता है, तो इसको लेकर के डरना नहीं है. अगर आपने ये सेशन अटेंड किया और इस वे में प्रिपेयर किया तो कट ऑफ की तो बात छोड़ो, आप मोर देन 25 गेन करोगे टिस एग्जाम में. यस गाइस, आप राइट सुन रहे हो, मोर देन 25, मिनिमम 25 तो आएगा ही, क्योंकि बिकॉज टिस एग्जाम के जो क्वेश्चंस का नेचर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है अदर क्वेश्चंस से, तो उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू ही प्रिपेयर करना होता है. सो अगर से आपने ये सारे पॉइंट्स फॉलो किए आफ्टर द वर्कशॉप, सो डेफिनेटली यू विल गेट द मोर देन 20, अदरवाइज नियर बाय 20. सो इट विल बी द बेनिफिट ऑफ दिस वर्कशॉप. सो काइंडली ज्वाइन एंड टेक द मोर बेनिफिट. डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है, जहां पे आपको नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट एंड सिटी ये फिल करना है एंड सबमिट कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. एंड द वर्कशॉप विल बी कंडक्टेड ऑन 31st May. एंड रिगार्डिंग दिस वर्कशॉप, इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी, सो हेल्पलाइन नंबर इज गिवन हियर 8828581455, सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, आवर काउंसलर विल असिस्ट यू वट एवर योर क्वेरी. सो फ्रेंड डोंट मिस दिस चांस, सो दिस इज अ वेरी गुड चांस फॉर यू. जो आप कमेंट करके कॉल करके अलग अलग क्वेरी पूछते हो, इस वर्कशॉप में ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा, आप फेस टू फेस आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो. ओके, सो ज्वाइन दिस वर्कशॉप, जस्ट रजिस्टर योर सेल्फ एंड यू कैन कॉन्टेक्ट, अदरवाइज इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो ऑल्सो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज यू विल गेट द कंटिन्यू अपडेट रिगार्डिंग द टिस एग्जाम. सो इफ यू वॉन्ट टू गेट द कंटिन्यू अपडेट, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द टिस एग्जाम अपडेट. थैंक यू.